एक बार एक चोर कार में चोरी कर रहा होता है, लेकिन जब वो चोरी करके बाहर निकलने को देखता है तभी उस कार के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। बाद में डर के मारे वो चोर जोर से उस कार के खिड़कियों को फोड़ने को देखता है, लेकिन कोई खिड़की नहीं फूटती। फिर वो अपने टीम को कॉल करने को देखता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। बाद में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बंदूक निकाल कर सामने के कांच पर गोली चलाता है, लेकिन गोली कांच को लगते बराबर ही रिटर्न होकर उसके पैर को अलगती है, जिससे उसका बहुत ज्यादा खून निकलता है। आखिरकार वो चोर मजबूर होकर बाहर के लोगों को मदद मांगने लगता है, लेकिन वो कार साउंड प्रूफ होती है जिससे इसका आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देता। तभी अचानक उस कार के रेडियो पर कार के मालिक का कॉल आता है और वो मालिक बोलता है कि इस कार की खिड़कियां बुलेट प्रूफ है और इसका सारा कंट्रोल मेरे हाथों में है। मेरी पिछली 28 कार चोरी हो गई थी, लेकिन यह मेरी 29वीं कार चोरी ना हो जाए इसलिए मैंने इस कार को सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया था। अब बेटा तू तो गया। यह सुनकर चोर की हालत कुछ ऐसी होती है। बाद में वो चोर खुद को सरेंडर कर देता है। इस कार के मालिक ने जो आइडिया लगाया उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।